बताइए। गिरिराज के ऊपर हर एक प्रतिमा वंदनीय है, पूजनीय है, बराबर। जितना आदेश्वर दादा का जो प्रतिमा है उतना हर प्रतिमा के अंदर उतना ही अपने को भाव मिलता है। यहाँ भाव पूजा करने भी आते हैं। और नव द्वीप की जो पहली चूक है उसमें जाएंगे तो चंदन की प्रतिमा चौथे आरे की, चौथे चंदन की नेमिनाथ जी भगवान की प्रतिमा है वो लगी हुई है, उसके दर्शन का लाभ मिलता है। अच्छा, यहाँ पर पांडवों की देरी है, यहाँ पर माता मरु देवी का शिखर बंद जिनालय है, मरु देवी का, हाँ, जो आप आदिनाथ भगवान की माता मिलेगा, माता मरु देवी का जी जी शिखर बंद जिनालय। अच्छा, यहाँ पर बालाबाई की टूक के अंदर एक रूम के अंदर 350 पाषाण की प्रतिमा है, एक सिर्फ 12x12 का रूम है जी जी जी, आपको ऐसा और कहीं देखने में मिलेगा। एक रूम ऐसा है जिसमें 550 धातु की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा, हाँ, वो 350 वो भी धातु की है, ये भी धातु की है। अच्छा अच्छा, और ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रतिमाएं हैं जो प्राचीन है, जो पता नहीं कौन से आर्य की होगी, मतलब लोगों ने देखे ही नहीं है, देखे ही नहीं है। मैं हम सबको यही प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने आपको प्रयास देखा कि आप ये नवटुकी और आप ले जा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोग स्वयं सेवक हैं। अच्छा अच्छा, और आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी की ओर से। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मौका दिया गया है। तो आप कहाँ से बता रहे हैं? हम जोधपुर से हैं, जोधपुर, जोधपुर की टीम है। अच्छा, और यहाँ पर लोगों को प्रेरित कर, और आप वो बता रहे थे ना कि अभी बहुत साल पुरानी प्रतिमा है, कितने साल पुरानी? चौथे आर्य की भगवान नेमिनाथ जी की। अच्छा, नेमिनाथ, वही है, कितने साल पुरानी हो? चौथा आरा बोले तो अभी पांचवा आरा चल रहा है, चौथे आरे में नेमिनाथ जी का अगर अपन जन्म कल्याण देखते तो कई करोड़ों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, हाँ, तो तीर्थंकर जैन धर्म बहुत प्राचीन है, बराबर बराबर। तो ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के जो पता नहीं किसने इनकी प्रतिष्ठा कराई थी, कौन से उस समय केवली भगवान। नॉर्मली क्या होता है कि लोग इधर से ही चले जाते हैं, मतलब अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। राइट राइट राइट, कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू स्टीव।